नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग के लिए गया हूँ करंट अफेयर, जो कि आपको दरोगा हो, बैंक हो, एसएससी हो या एनटीपीसी रेलवे हो, हर एग्जाम में बहुत ही उपयोगी आप लोग के लिए है। किसी एक एग्जाम के लिए फिक्स नहीं है और करंट अफेयर हमेशा पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर आपका अच्छा ना हो तो कुछ नंबर आपके मिस हो जाते हैं। दोस्तों तो जो भी वीडियो बिल्कुल नया है, अगर लास्ट तक आप लोग देखते हैं तो आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो मेरा बनता है दोस्तों, साथ ही लाइक करने से आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन घंटा दबाना ना बोले, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आप लोग तो तुरंत पहुंचे इसके लिए आप लोग घंटा दबाना ना भूले। तो दोस्तों एक बात और कि मैं इससे पहले जो है सेट 3, जी हाँ सेट 3 या सेट 4 है अभी, तो सेट 3 में मैंने कुछ एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब कुछ लोगों ने दिया, तो कुछ लोगों ने दिया, मैंने उन सबों का नाम बताना चाहूंगा। सिर्फ 4 लोगों ने दिया, मैं उसका नाम जरूर बताऊंगा, तो उन 4 लोगों का नाम मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें, जिन 4 लोगों ने जवाब दिया उनका जवाब मैं बताऊंगा। साथ ही आप देखते हैं आज कुल 25 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, 25 लेके आया हूँ, तो आप लोग इसे देखें जरूर पूरा का पूरा वीडियो, और सराहना करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर इतना ज्यादा करें कि सब तक पहुंच सके, सब इसका लाभान्वित हो सके। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, 7 जून 2019 को फूड सेफ्टी एवरीवन वंस बिजनेस के कौन सा दिवस मनाया गया। जो इसका कारण मतलब यह है बिजनेस के साथ, चूंकि वहां हाइड हो जाता दिखाई नहीं पड़ता, मैंने फिर से आपको दिखा दिया। इसका आंसर नंबर बी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का 14वां शिखर सम्मेलन कहां में आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ये रहे 4 ऑप्शन, मक्का यानी सऊदी अरब, ब्यूनस आयर्स, बिश्केक, लिस्बन। आंसर होगा नंबर ए, यानी कि मक्का सऊदी अरब। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, 5 जून 2019 को किस विषय के साथ पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी कि वायु प्रदूषण। ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पायदान पर, अगले प्रश्न की ओर, 104 की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक, जी हां भारत का बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कमी की है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, 0.25%। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, 1 जून 2019 को कांग्रेस संसदीय दल का नेता किसे चुना गया। इसका आंसर होगा दोस्तों सोनिया गांधी, जी हां सोनिया गांधी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 106 अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 31 मई 2019 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। आखिर कौन सा वह दिवस था जो कि मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जी हां तंबाकू से बहुत सारे बीमारी होते हैं, इसलिए तंबाकू का निषेध बहुत ही आवश्यक हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 31 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इसका हो जाएगा नंबर डी, 15वें प्रधानमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे 15वें प्रधानमंत्री, यह परीक्षा में पूछेगा जरूर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 31 मई 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, जगमोहन रेड्डी। जी हाँ अगर इसका पूछेगा आपको राज्यपाल, तो आप राज्यपाल का नाम बताएंगे मेरे दोस्तों, तो राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ पर लिखने की उतनी जगह नहीं, मैं सिर्फ इतना मतलब बताना चाहता हूँ कि ये मैं ट्रिक आप लोगों को एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, आप लोग इसे देखें जरूर। 29 राज्य मैंने डाले हैं और बहुत ट्रिक से राज्यपाल याद दिलाए हैं। आंध्र प्रदेश यानी अंधा व्यक्ति का विश्व भूषण यानी आभूषण संसार का होता है उसकी आंखें, वो हरि को चंदन लगाते हुए बोलता है कि मेरी आंखें मुझे लौटा दो प्रभु। ये मेरा ट्रिक था सिर्फ याद करने का। आगे बढ़ते हैं, तो 109 का प्रश्न, 1 जून 2019 से RBI ने RTGS के जरिए लेन देन की समय सीमा शाम 4 बजे से बढ़ाकर कितने बजे तक कर दिया है। दोस्तों इसका हो जाएगा नंबर बी, यानी कि 6 बजे तक, जी कुल 2 घंटे समय आपको अब ज्यादा मिलेंगे। अब उसके बाद हाल ही में भारतीय लेखिका को वर्ष 2019 के नाइन डॉट्स प्राइज पुरस्कार हेतु चुना गया।
ने किस भारतीय लेखक को ही आपको बताना है, इसका जगह एनी जैदी। नव निर्मित सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्रियों में कितनी मंत्री महिला मंत्रियों को शामिल किया गया। जब भी महिला की बात हो आप लोग तुरंत रट्टा मार लें, क्योंकि इस महिला संबंधी प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तीन, यानी कुल तीन मंत्रियों को शामिल किया गया। अगर आप उसका नाम जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं जानता, अगर आप बताएंगे तो मैं जानूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की आपूर्ति हेतु रोकने हेतु सॉरी संदेश संकेत दिए हैं। तो संकेत किसने दिए, किस देश ने दिए हैं? इसका हो जाएगा चीन, यानी चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं। किस राज्य के ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। जी हाँ, और मध्य प्रदेश का राज्यपाल है लाल जी टंडन। चलिए आगे देखते हैं। आपको प्रश्न है, लोकसभा भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद, जी हाँ देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? इसका आंसर होगा आपको नंबर सी, यानी कि चंद्रानी मुर्मू। जी हाँ, 115 का प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस वायुसेना के विमान में स्वदेशी बायोजेट ईंधन ईंधन हाइड्रोजन, मैं आपको बता दूंगा ईंधन लिखा हुआ है, ईंधन के प्रयोग हेतु मंजूरी दी गई है। जब मैं जिसका जब हटाऊंगा ब्रश तो आपको अपना ईंधन दिखाई पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा AAN 32 नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। 116 का प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2019 किस देश में आयोजित किया गया? जी हाँ बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 116 का ए, यानी ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान में। 117 का है, किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी कि 117वीं। अगला प्रश्न है, कॉम्बैट मिशन के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरफोर्स पायलट कौन बनी, यानी कौन बन गई? इसका आंसर हो जाएगा 118 का नंबर बी, यानी कि भावना कंठ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अरबी भाषा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का नंबर डी, यानी कि जोथा अलहार्थी। बहुत ही अच्छा नाम है और आपको हमेशा ये याद रहेगा। पहला प्रश्न 120 का है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2019 जीता? इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी करोलिना प्लिस्कोवा। तो ये प्रश्न है आपको दोस्तों, 121 नंबर आ गया आपके सामने में। लिखा हुआ है, 12 मई 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा 121 का नंबर बी, यानी मुंबई इंडियंस ने। 122 के प्रश्न है, 14 मई 2019 को आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 122 का नंबर डी, यानी कि जीएस लक्ष्मी। अगला प्रश्न है दोस्तों 123 का, यह है, 9 मई 2019 को जलवायु आपातकाल लागू करने वाला दूसरा देश, जी हां दूसरा देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 123 का नंबर बी, यानी कि आयरलैंड। 124 का सेकंड लास्ट, यानी आप लोगों के लास्ट प्रश्न का आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आपको आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सी रैंक मिली? या फिर से सुन ले, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सी रैंक मिली? इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, 140वीं। तो आप लोग से आज मैं जो प्रश्न पूछने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले सेट 3 में मैं एक प्रश्न पूछा था, उसे कुल 4 लोगों ने जवाब दिया, किन किन लोगों ने सही दिया ये आप लोग को बताना है, मुझे बताना है। 100 नंबर का ये प्रश्न जो है, जो आप लोगों के लिए मैंने पूछा था सेट 3 में, वो मैं आंसर आज बता देता हूं। 16 जून 2019 को फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर नंबर सी, सुमन राव। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो दोस्तों कुल 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, उनका नाम मैं यहां पर स्क्रीनशॉट लिया हूं, दिखाना चाहता हूं। पहले हैं हरिहरन कुमार गणेश, जो कि नंबर सी दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशन हरिहरन कुमार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और मुबारकबाद। अमन कुमार ने भी सुमन राव लिखा है, बिल्कुल सही जवाब। और दिव्या रानी ने लिखा है सर नंबर सी,
बिल्कुल सही दिव्या ने, थैंक यू। और डीएन कुमार ने भी नंबर सी आंसर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, ऐसे ही हमेशा तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें। आज मैं अंतिम प्रश्न पूछने वाला हूं 125 नंबर का, उसका जवाब आप लोग इसी प्रकार से दें। तो ये रहा आप लोगों के सवाल दोस्तों 125 नंबर का, लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा 15 अप्रैल 2019 को आर ए शंकर नारायण को किस बैंक का सीईओ नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई। ए है अलाहाबाद बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी केनरा बैंक और डी बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, जिन जिन लोगों को आंसर देना हो वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, मैं इसी प्रकार से सबका नाम जरूर से जरूर बताऊंगा आपने आप इस वीडियो में। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, मैं फिर से कहूंगा एक लाइक जरूर करें दोस्तों, साथ ही सब्सक्राइब करें। अगर आप बहुत अच्छा लगे तो मेरे साथ बने रहने के लिए साथ ही घंटा भी दबा दें, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो लोड करता हूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो साथ लेते हुए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।